ट्रस्ट मी, तुम दोनों का एल्बम विल बी अ बिग ब्लास्ट। बस अपने ईगो को हटा दीजिए, ऐसे समझ लीजिए आपने अरेंज मैरिज किया हुआ है। इसमें फायदे शुरुआत में नहीं, शादी के बाद में होते हैं। ये साथ कुछ बुरा नहीं है। मैं तो आखिर बिजनेसमैन हूं, अगर मेरा आइडिया गलत हो गया तो नुकसान तो मेरा ही होगा और तुम दोनों का तो फायदा ही फायदा है। डील के पैसे भी मिलेंगे और करोड़ों की फैन फॉलोइंग मिलेगी। जस्ट टेक अ चांस, इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी एंड आई फील यू गाइस नीड टू टेक दिस चांस। द किंग विल थिंक अबाउट इट। एंड व्हाट अबाउट यू अभी? हेलो, क्या? ठीक है, मैं आ रहा हूं। अभी कहां जा रहे हो? गाइस हुआ क्या? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। परी, मैंने आपकी बात काटी, बैड मैनर्स। आप कही? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे हो, आपकी फैमिली भी बहुत अच्छी है, एंड यू आर अ स्टार आइकॉन। आई नो दैट। मैम, मैं कितनी तारीफ करूं, प्लीज स्टॉप इट। आपने फिर मेरी लाइन काट दी है। पहले मेरी बात ध्यान से सुन तो लीजिए। सुनाइए। Where was I? So, जो मैं बोलना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आज जो हुआ ना, that was simply unacceptable. ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए था। क्यों? क्या किया इसने? सनी, तू मेरा भतीजा है, तूने कुछ गलत तो नहीं किया ना? अरे नहीं मैम, ये मेरा भतीजा है, ये तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता। बिल्कुल, किसी स्टूडेंट की बुक फाड़ना इसे गलती नहीं कहते। इसने ऐसा कर दिया? मतलब इसने ऐसा किया? सनी, कोई ऐसा करता है क्या? कोई ऐसा आइडिया देता है क्या? ऐसा नहीं करते ना। और इतना ही नहीं, अभी तो वो झूठ बोलने भी लग गया है। नहीं नहीं नहीं, सनी झूठ बोलता नहीं है, वो झूठ बोल ही नहीं सकता। नेवर। हाँ बिल्कुल नहीं बोल सकता टीचर, मैंने बुक फाड़ी लेकिन झूठ नहीं बोला। फिर झूठ बोल रहा है। क्या झूठ बोल रही है मैम? इसने कहा कि उस स्टूडेंट का बुक फाड़ने का आइडिया इससे आपने दिया है। ऐसा बोला इसने? सनी बेटा, झूठ नहीं बोलते, ओके? डोंट वरी मैम, मैं इसे समझाऊं, ओके? जब सब मुझे लायर बोलेंगे, वो सबसे पहले तो वो बोलेंगे आपको अच्छा लगेगा कि मुझे कोई लायर बोलेगा, मुझे कोई चिढ़ाएगा। सनी, तुझे नहीं पता सब मेरा क्या क्या उड़ाएंगे, प्लीज यार। जस्ट आपसे कभी मैं बात नहीं करूंगा। देखिए, सनी झूठ नहीं बोलता है। मतलब आपने इससे कहा ये सब करने के लिए? Oh my God! और हम सोच रहे कि सनी अपने आप को बचाने के लिए सब झूठ बोल रहा है। Really, सच्ची में आप भी तो नहीं, उसके पीछे एक सॉलिड रीजन भी। सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो, ये सब नहीं चलता। और आपने ये, अरे वो लड़की सनी को हर रोज परेशान कर रही है। और आपने सनी को उसकी बुक फाड़ने के लिए कह दिया, बोला कि तुम एरोप्लेन बनाओ, रॉकेट बनाओ क्लासरूम में। इज दिस राइट? इज दिस एक्सेप्टेबल सनी इन स्कूल? मैम प्लीज लेट मी फिनिश। लड़की हर रोज सनी को परेशान कर रही थी, इतना परेशान कर रही थी कि सनी का स्कूल आने का मन नहीं करता। यस मैम, उसने मेरे ऊपर पानी भी फेंका और मुझे धक्का भी दिया। अब आप बताइए, मेरा छोटा सा सनी कितनी परेशानी झेलता। बृंदा, उस लड़की को बुला दो जरा। यस श्योर मैम। और बता ना, रुक क्यों गया? बता बता। और मुझे सनीफा ने भी कहा। अरे मैम, एक नंबर की बदमाश है, दो नंबर की शैतान है। शी इज अ बुली, आफत है वो, आफत। नहीं, एक्सक्यूज मी। हे, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, एंग्री बर्ड। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या आप सनी का चाकस हो? यू टेल मी कियारा। क्या बोलूं मैम, अगर बोला तो प्रॉब्लम में फंस जाओगी ना। तुम बोलो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। एंड डोंट वरी, इनका कहना है कि तुमने सनी को बुली किया, तुमने सनी के ऊपर पानी फेंका। इज दैट ट्रू कियारा? मैं अपनी बात कह लूं क्या?
मेरे स्कूल में मुझे कुछ कहने का हक है या नहीं? कौन? मैम, मैं ऐसे बोली कैसे कर सकती हूँ? मैं विद्या से लड़की और ये एक रॉकस्टार का नेफ्यू, पावर किसके पास है? कौन किससे बोली करेगा मैम? ये तो आप खुद समझ सकती है ना। और हाँ, वो अपने फ्रेंड के साथ मिलके मुझे परेशान कर सकते हैं। हाँ, किया भी है। पानी ने अपने शख्स के कहने पर मेरी बुक फाड़ दी। और हाँ, सनी के कहने पर इन्होंने मुझे बहुत थप्पड़ भी मारा। क्या? मैंने क्या मारा? थप्पड़। What? नहीं मैम, मैंने कोई थप्पड़ नहीं मारा इसे। ये क्या बोलने जा रही हो तुम? मैं बच्चों पर हाथ नहीं उठाता। प्लीज, व्हाट आर यू डूइंग? बोलो बोलो मैम को कितनी झूठ बोल रही हो। प्लीज देखा मैम, ये इनडायरेक्टली कह रहे कि वो थप्पड़ मारने वाली बात मत बताना, और हो सकता है ये बाहर जाके भी मुझे फिर से थप्पड़ मारे। अरे कुछ भी बोले जा रही है, मैं बच्चों से इतना प्यार, सारे बच्चे मुझे बहुत पसंद है। मैम, इनकी बातों में मत आना, आपके सामने गुड़ी गुड़ी बिहेव करे और बाहर ऐसे की किंग कॉन्ग। किंग कॉन्ग? नो मैम, बच्चों को थप्पड़ मारना क्राइम है ना। पर मुझे भगवान जी पे विश्वास है। भगवान जी कहते हैं गलती हो जाती है, इनसे भी गलती हुई है। बदमाश शैतान, बुरी कहाना मुझे अब देखो। लेकिन हाँ, गलती करने वाले को माफ कर देना चाहिए। That's a nice thought, कियारा। इसलिए मैं इन्हें माफ करती हूँ। पहले इन दोनों को आपको माफी मांगने दो। सॉरी, मैंने कोई थप्पड़ नहीं मारा, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। मैम, इन्होंने एक और गलती की है। क्या? ये ड्रामे बाज अब ये ना कह दे कि मैं इसे किडनैप करने वाला था। बेटा भी सॉरी बोल दे, मुझसे छोटी है, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? सनी, मैं बोलता हूँ सॉरी। ये तो बुक्स फाड़ने के लिए थे, थप्पड़ के लिए एक और बाकी है। सॉरी। ओके, मैंने आधा माफ किया। आधा माफ किया, अब तो मैंने सॉरी भी बोल दिया। देखिए, मैं बाहर से खुश हूँ बट अंदर से अभी भी डिसअपॉइंटेड हूँ, दुखी हूँ और हर्ट भी, इसलिए आधी माफी दूंगी, आधी माफी कभी और। ओके मैम, अब क्या मैं जा सकती हूँ? जाओ बेटा। तरुण, पहले ना कियारा के स्कूल चलते हैं, उसे पिक कर लेंगे, फिर घर देखने चलेंगे। ओके दीजिए भैया, स्कूल ले चलो। ओए होए, मैं तो नया घर देखने जाने की खुशी में पागल हुई जा रही हूँ। वो होटल में रहते रहते बोर हो गए थे एकदम, है ना? नहीं, एक्चुअली काम के लिए ना होटल ही बेटर रहता। हो, काम वाम सब अपनी जगह है, लेकिन किंग को तुम्हारा ख्याल भी तो रखना चाहिए। तू उसकी बीवी है ना, पहले हक से अपनी बात मनवाया कर, फिर उसके बाद जो उसे करना करने दो। अब किसी वो घर आएगा ना, मैं खुद उससे बात करती हूँ, बिल्कुल दिमाग ठीक कर दूंगी उसका। नहीं नहीं चाची जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है? किंग के खानदान की बदनामी होगी तो तुझे अच्छा लगेगा। तू जानती नहीं, पूरे पंजाब में सिंह खानदान का रुतबा है। अरे किंग बेटा लंदन का हो गया है, लेकिन दिल तो उसका अभी भी हिंदुस्तानी है। हाँ, क्या बात है, तू इतनी टेंस क्यों लग रही है? नहीं, वो चाची जी बार बार कियारा पे ध्यान जा रहा, उसके प्रिंसिपल ने फोन नहीं उठाया और ना कॉल बैक किया। अब कियारा के स्कूल तो जा रहे हैं ना, हो जाएगा सब ठीक ठाक। और वो क्या है ना, हम माओ का दिल ही ऐसा होता है, हर वक्त जान अपने बच्चों में अटकी होती है। अब पूछ ले मेरे पुत्र तरुण से, है ना तरुण? वैसे पूछने की कोई बात ही नहीं है, ये गर्ल तो पूरा पंजाब ही जानता है। पंजाब? लेकिन आप तो गुड़गांव में रहते हैं। अरे बचपन और जवानी पंजाब में बीती और अब रह रही है गुड़गांव में, और क्या। एक बार स्कूल प्रिंसिपल को फोन कर। लगा लगा। And this is called water cycle. Okay, ma'am. Let's move to the next part. Hmm.
कोई बोलेगा नहीं। अंकल चिल्लाते रहो, ये क्लासरूम है और बच्चे तो आपकी शक्ल देख के डर जाएंगे। है 2 फुट की और जुबान 4 फुट की। बच्चों को कुछ मत करना प्लीज। अपने मुंह पे उंगली रखिए ना, नहीं तो एक उंगली कम हो जाएगी। बच्चों ये होता है टेररिस्ट, हिंदी में आतंकवादी। अभी तो सिर्फ थप्पड़ मारा है और मैं जो बोलने वाला हूँ वो नहीं किया ना, तो सीधा गोली मारूंगा, वो भी खोपड़ी में। बोल सभी बच्चों को लाइन लगाकर हॉल में जाएं। चल स्टूडेंट्स मेक लाइन एंड गो टू द हॉल। तब्बू अगर मेरी मम्मा को पता चल गया ना तो तुम्हारी बैंड बजा देगी। बैंड बना रही है, बना के नहीं ले आना। मेरी तरह ना ये फ्रूट्स खाया कीजिए, एकदम यंग बने रहेंगे और है ना स्किन शाइन करेगी। अरे ये सब तन्नू को खिला, जिसको 3 दिन से जुड़ियां पड़ गई है, लगता है वो घर में ही मिसेज इंडिया बन जाएगी। एकदम सही कहा। एप्पल खाओगे पूरब? अरे किसी ने रिमोट देखा है क्या? यहीं कहीं होगा पूरब। यहाँ नहीं है भाभी। एक मिनट रुको मैं देखती हूँ। दादी ये रहा, मैं ही बैठी हुई थी। पूरब इतना परेशान क्यों लग रहा है, क्या हुआ, क्या टेंशन है, बोलना। ड्रॉपिन काम से बाहर गया है। घर में भी काम है। अरे तो तू कर सकती है ना, तेरे हाथ में क्या मेहंदी लगी हुई है क्या, जा खुद कर ले अपना काम। दहशत फैलाने के लिए हमेशा से टेररिस्ट स्कूलों को निशाना बनाते आए हैं और इस बार इन्होंने निशाना बनाया है सनशाइन ब्राइट इंटरनेशनल स्कूल को। चाहते हैं ये टेररिस्ट जो हर बार बच्चों को ही निशाना बनाया जाता है? जानने के लिए जुड़े रहिए रिचा संवाददाता के साथ, मैं आपको देती रहूंगी पल पल की खबरें। सुरेश गाड़ी की चाबी लेके आओ। पूरब तू टेंशन मत ले, अभी को फोन लगा ना, वो कुछ कर लेगा। हेलो हाँ बोल पूरब। हेलो अभी कहाँ है तू? मैं स्कूल के बाहर ही हूँ, तो डर मत। ऑलराइट। अरे लेकिन तुझे कैसे पता कि सनी के स्कूल में टेररिस्ट हैं? वो मैं तुझे बाद में बता दूँ, तू घर वालों का ख्याल रख, मैं स्कूल में हूँ। ओके अभी मेरी अभी हल... ये अभी भी ना ये कभी नहीं सुधरेगा, किसी के लिए भी खुद मरने को तैयार हो जाता। खुशखबरी है, हमारे बाकी साथी लोग भी इधर आ चुके हैं और वो भी पूरे हथियारों के साथ। डरो मत बच्चा लोग, जैसे आप लोग चोर पुलिस का खेल खेलते हो ना, वैसे ही मैं पुलिस और टेररिस्ट का खेल खेलूं। तुम कौन हो? सही सवाल। मैं हूं पंडित अशोक पंडित, जेल से भागा हुआ कुख्यात अपराधी। अभी कुछ ही देर में यह हेलीकॉप्टर आएगा और मैं इंडिया से बाहर। तुमने तो कहा था हम लोग पुलिस और टेररिस्ट का गेम खेलेंगे। बिल्कुल खेलूंगा। कैसे? इस खेल में मेरी गोली से पुलिस बने
और मैं नहीं मरूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास है बुलेट प्रूफ जैकेट। कहाँ है? आप लोग मेरी बुलेट प्रूफ जैकेट ही तो। और जब तक आप लोग हो तब तक पुलिस मुझ पर गोली नहीं चलाएगी। लड़की क्या कर रही है? क्या हुआ बबलू? भाई ये लड़की बैग में से कुछ निकाल रही थी। बैग से कुछ निकाल रही हूँ? क्यों, डर गए क्या? हाथ में गन है फिर भी डरते हो? फालतू बातें मत कर, क्या निकाल रही थी? जो तुम लोग टेररिस्ट पुलिस खेलो और मैं अपना चौकसे कुछ और गेम खेलती हूँ। कौन सा गेम? जो सबसे पहले चौक से पाउडर निकालेगा वही जीतेगा। खेलोगे आप? बच्चा नहीं हूँ मैं। बच्चों जैसा नाम तो है लेकिन आपका बबलू। चुप। ए बबलू खेलने दे उसे, वरना बची कुची इज्जत भी चली जाएगी तेरी। खेल लो बेटा खेल लो, पता नहीं कब सारा खेल खत्म हो जाए। अरे नहीं नहीं, चिड़वा चिड़वा लीजिए। क्या हो गया दादी, आप लोग क्या देख रहे हैं? सनी का स्कूल है। दिशा, मेरा बच्चा अंदर है। दिशा संभालो अपने आप को। मुझे सनी चाहिए अब। और उन लोगों के बीच में आप समझ नहीं रहे, वो उन लोगों के पास गन्स होंगी, वो डर जाएगा। दिशा मेरी बात सुनो, मुझे सनी चाहिए। दिशा मेरी बात सुनो, कुछ नहीं होगा सनी को, कुछ नहीं होगा। मेरी अभी से बात हुई है, वो वहीं पर है, कुछ नहीं होगा हमारे सनी को। तो आप यहाँ क्या करें? आप क्यों नहीं गए वहाँ? मैं जा रही हूँ। दिशा पूरा दादी, मैं भी इनके साथ जाती हूँ। कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं स्वर्णी दादी का ख्याल रखने के लिए भी कोई होना चाहिए। ठीक है दिशा, पूरा मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, तू जा इनके साथ। वैसे उम्मीद तो नहीं है, हो सकता है कोई अच्छा काम कर जाए। जा कर मुझे छोड़ दे। ज्यादा टैटे करी ना, तेरा गला दबा दूंगा। मुझे मम्मा के पास जाना। अरे तेरे मम्मा मम्मा चल। We'll be right back.
पाउडर, ये कैसा नाम है? नाम जैसा भी हो ना मूवी। उसमें होता क्या है? उसमें ना क्या होता है, एक मेरी जैसी लड़की होती है, तुम्हारी जैसा एक लड़का, तो ना वो चौक का पाउडर बना देते हैं और कुंडों के मुंह पे डाल लेते हैं और फिर सबको बचा लेते हैं और फिर खत्म कहानी। ये मूवी तो यहीं की लग रही है बुद्धू, ये मूवी यही की है। मतलब उनकी आंखों में तेज कपड़ों की, लेकिन ये तो बहुत सारे, तभी तो अब तक चुप बैठी हूँ। हाँ पर अगर दो तीन होते तो मूवी का मजा आ जाता। काश मेरे पास इनको मारने के लिए कुछ होता। यू मीन गन? आ, पागल हो तुम, गन्स पुलिस और टेररिस्ट चलाते हैं और हमें बच्चों वाले मटेरियल्स चाहिए। वैसे मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। कैसे, कुछ है तुम्हारे पास? बहुत कुछ है। जैसे कि गुलेल और स्नो स्प्रे और कंचे और हेवी बॉल और स्प्रे पाउडर और क्या हुआ? अरे तुम पहले बता लेना, मैं कब से चौक का पाउडर बना रही हूँ। तुमने तो कहा था दोनों दोस्तों के, किसके लिए? मैंने नहीं बताया। बस ये सारा सामान है का बैग में। एक सेकंड, वैसे तुम ये क्यों लाए? तुम्हें पता था कि स्कूल में टेररिस्ट आने वाले हैं? रुको, कहाँ से? लेफ्ट में जाना चाहिए। नहीं नहीं, ओह हाँ सॉरी सॉरी, अगर बस हम एक बार गेट पे पहुंच जाए ना, फिर हमें हेल्प मिल जाएगी। बोलेगा नहीं। देखा जाए तो चुपचाप। लड़का और लड़की ने नाक में दम कर रखा है, जल्दी से अलग करो इन्हें, बाकी ये बच्चे खुद पर खुद कंट्रोल हो जाएंगे। रहमान तू इन्हें अपने साथ ले जा। बच्चा चलो तुम लोग। और तू उन बाकी लोगों को देख, वो इधर गए हैं। ये लड़की ने अब अगर कोई ड्रामा किया ना, तो तेरे साथ साथ इन बच्चों को ही मार दूंगा। चल यहां से। अंकल आप जो भी कर रहे हो गलत कर रहे हो। अगर मेरे दादा ने देख लिया ना, तो आपका मंचूरियन बना देंगे। और ले 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 बाबू। बेटा मुझे मंचूरियन बहुत पसंद है, बनाने देना, मैं खा लूंगा। समझे? कोई बोलेगा नहीं। बाबलू लेके चलो इन्हें सबको यहां से। चलो चलो सारे एक साथ चलो। चलो लाइन में चलो, थोड़ा बहुत परेशान करते हैं खत्म लोगों ने। कोई होशियारी नहीं, कोई बोलेगा नहीं। सब यहां है, अगर ये पुलिस को पता चल जाए
तो इन्हें पकड़ना आसान हो जाएगा। एक तो इन बच्चों ने दिमाग खराब कर रखा है और ऊपर से साला हेलीकॉप्टर नहीं आया अभी तक। ए प्रिंसिपल, अब इन बच्चों की जिम्मेदारी तेरी। अगर एक भी हिला ना तो लाशें बिछा दूंगा लाशें। तुम प्रिंसिपल को मत डांटो। मम्मा कहती है कि टीचर्स भी भगवान जी जैसी होती है। एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो बगैर गोली के मर जाएगी। दादा, चलो बहुत हुआ बाप बेटी का मिलन, अब छोड़ो उसे। नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ोगे तो दोनों ऊपर जाने के लिए तैयार जाओ, तुम और तुम्हारी बेटी दोनों जाएंगे। हाथ तो लगा के दिखा, फिर दिखाता हूँ तुझे कि कितना बुरा हूँ मैं। आप उसे मार दोगे? हाँ मार दूंगा। आपसे एक बात कहूँ। क्या? भागो यहाँ से। नहीं ये ना भागो, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। I said run! तो वो लोग वापस असेंबली में लेके गए। अब क्या करूं, ये दरवाजा तो कभी भी टूट सकता है। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।